हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 3 और इस बार हम करने वाले हैं मेन गेट एस्केप, क्योंकि पिछले गेम प्ले में हमने ट्रेन एस्केप कर दिया था। तो अब बचा है एक लास्ट एस्केप जिसका नाम है मेन गेट एस्केप। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते हैं कि ये एस्केप हमारा कैसा रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, आपको मेरी गेम प्लेस पसंद आती हैं तो लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गेम को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, गेम को प्ले कर लेते हैं और डिफ़िकल्टी इजी पे सेट हो रखी है, लेकिन मैं नॉर्मल पे खेलने वाला हूँ। तो ओके, डिफ़िकल्टी लेवल हमने सेट कर लिया। अब अपने गेम को शुरू कर लेते हैं और टिप पढ़ने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारी टिप्स अच्छे से पता है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे यहाँ से स्किप करना है। तो ओके गाइस, फ़िलहाल ये इंट्रो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट गेम प्ले में हम देख चुके हैं ग्रैंड पर हमें कैसे पीछे से शूट करके बिल्कुल घसीट के अंदर ले जाता है। तो गेम हो चुका है शुरू और ये हमारा डे वन। तो मुझे अच्छे से पता है सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पे एक लॉक पिक पड़ी होगी, लॉक पिक मुझे उठानी है और उस लॉक पिक का यूज़ करके इस गेट को अनलॉक करना है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई नहीं, इसको आराम से हम खोल लेते हैं। ये गेट मैंने खोलिया, आसपास कोई भी नहीं है, ये अच्छी बात है। तो वैसे तो मेन गेट एस्केप करना है मुझे, तो बेसमेंट में ज़्यादा कुछ मेरा काम नहीं होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हो सकते हैं जो बेसमेंट में रखे हों या मुझे मिल जाएं, जैसे यहाँ पे भी हो सकता है। और भाई ये रोबोट तो कितना शोर करता है, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पर मुझे कुछ काम का मिल जाए। और गाइस, मुझे फ्यूज़ मिल चुका है, फ्यूज़ चलो ये अच्छी। भाई ये क्या हुआ, ये सिलेंड्रीना थी, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए आई थी, 0.1 सेकंड्स के लिए। भाई उसने छोटी सी अपनी झलक दिखाई और चले गई। चलो कोई नहीं, मुझे पता है ग्रैनी आने वाली होगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, मैं यहाँ पर कितनी बार बेल मैंने रिंग की और फाइनली अब आई है ग्रैनी मुझे पकड़ने के लिए। मुझे इसको यहीं बुलाना था, क्योंकि मुझे दूसरी साइड से बाहर जाना है। ग्रैनी यहाँ पर चेक करेगी, तब तक मैं कहीं और ही निकल लूँगा। लेकिन मुझे रास्ते में ग्रैंडपा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिल गया, ओ भाई यहाँ तो नहीं हो, नहीं है नहीं है, गेट खुला था, मुझे लगा शायद ग्रैंडपा वहाँ पे। फ़िलहाल तो अच्छा रहेगा अगर मुझे ग्रैंडपा ना मिले तो। फ्यूज़ मुझे मिल चुका है, ओह भाई सिलेंड्रीना यार ये सच में डरा देती है, ऐसे अचानक से आती है ना मुझे। थोड़ा मैं खेलूँगा तो फिर से मुझे आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये मैं फ्यूज़ को लेके टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे फ्यूज़ चाहिए होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे ग्रैंडपा है। अब मुझे उससे बच के भागना पड़ेगा, उसके पास शॉटगन है, अगर उसने मुझे शूट कर दिया ना तो मेरा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल केयरफुली खेलना है, बिल्कुल अपना ध्यान रखना है अच्छे से, बिल्कुल सेफ्टी के साथ। ये देखो भाई, ये डाइनिंग टेबल है, मैं इसके नीचे छुप चुका हूँ और ये मुझे देख नहीं सकता, ये अच्छी बात है। ओके ये जा रहा है, एक बार मैं आराम से देख लेता हूँ उसको। भाई मुझे लग रहा है ग्रैनी भी आ चुकी है, शायद ऊपर वाले फ्लोर पे गई, हो सकता है। यहाँ पे ट्रैप भी छिपे हैं, मुझे लग रहा है ग्रैनी यहीं है आसपास, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ ऊपर आने का। यहाँ पे एक ट्रैप है, मैं क्या करूँ, साइड से नहीं गया मैं, इतना रास्ता ही नहीं था कि मैं साइड से जा सकूं ट्रैप को चकमा देके। लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूज़ को फ़िलहाल मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ग्रैनी कभी भी आ सकती है और मुझे बच के रहना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्रो भी है, इसके पास देखते हैं क्या मिलेगा। क्या है भी तेरे पास? इसके पास शेडकी की है। ओके शेडकी की बहुत इंपॉर्टेंट है मेन गेट स्केप में, क्योंकि वहीं से मुझे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। यहाँ पीछे मैं फ़िलहाल चेक कर लेता हूँ, कई बार यहाँ पे प्लैंक रखा हुआ होता है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे प्लैंक नहीं है। मुझे पता नहीं वो कहाँ ढूंढना पड़ेगा, या तो वो शेड के पीछे होगा या किसी रूम में होगा, ज़्यादातर शेड के पीछे होता है, वो तो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल यहाँ से मैं आराम से अंदर चलता हूँ, आराम से बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ से गिर के बंदा मर जाता है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मुझे अच्छे से पता है। कोई बात नहीं, फ़िलहाल आसपास कोई भी नहीं है, ये अच्छी बात है। इस डोर को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ओके यहाँ से फ्यूज़ उठाता हूँ। अबे भाई मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से सीधा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे ऊपर अभी नहीं जाना है। पहले मैं इधर देख लेता हूँ, कहीं ग्रैनी तो नहीं यहाँ पे छुपी हुई, अगर वो ग्रैनी होगी ना तो
चकमा देख के वो मुझे मार देगी, इसलिए मैं अच्छे से नीचे कौन, वो भाई ग्रहणी है, ग्रहणी है, उसने मेरे को देख लिया, वो ऊपर ही आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं फ्यूज़ लगा देता हूँ और मुझे फटाफट यहाँ से चलना चाहिए रूफ पे वापस, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा सेफ होता हूँ, बहुत ज़्यादा सेफ होता हूँ। ओके एक और रूम है, यहाँ से मैं आराम से अंदर आ जाता हूँ। ओके यहाँ पे व्हील चेयर पड़ी है, पता नहीं किसकी है, ग्रैनी की होगी, लेकिन ग्रैनी को उसका यूज़ करना चाहिए व्हील चेयर का। स्लेंडरी ना आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब नहीं लग रहा है डर, सिर्फ फर्स्ट टाइम लगता है, पहले दो बार। और ये एक ओल्ड क्रीब है, इसमें मुझे स्लेंड्रीना का टेडी बेयर डालना होगा और टेडी बेयर से वो खुश हो जाएगी और मुझे कुछ कुछ गिफ्ट में देगी, और ऊपर से वो दोबारा आएगी भी नहीं, मुझे मतलब परेशान ही नहीं करेगी, अपने टेडी बेयर के साथ पता नहीं कहीं चले जाएगी, तो वो टेडी बेयर मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जनरेटर केबल भी मुझे चाहिए, वो कहाँ होगा ढूंढना पड़ेगा यार, बहुत बड़ा घर है ग्रहणी का। चैप्टर 3 में तो बहुत बड़ा है, चैप्टर 4 में मैं सोच रहा हूँ कितना बड़ा घर होगा। चलो बात की बातें हैं, फिलहाल तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है ग्रैनी कहीं आसपास ना हो। भाई ग्रैंडपा कोई नहीं, ये डाइनिंग टेबल है, इसके नीचे मैं आराम से छुप जाता हूँ और उसके जाने का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ग्रैंडपा तो जा चुका है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से जंप करके आ जाऊँ नीचे सीधा किचन में। ओके किचन ही है क्या, मतलब किचन ही होगा, यहाँ पे फ्राई पैन रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स हैं, कुछ ड्रॉर्स हैं, उन सबको मैं चेक कर लेता हूँ। किचन में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आइटम हो सकता है, होता भी है कई बार, मैक्सिमम टाइम होता ही है। यहाँ पे एक फायरवुड पड़ी भी है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि इसका यूज़ मुझे क्रो को भगाने में करना है, लेकिन क्रो को मैं भगाऊंगा नहीं, उसको मैं जान से मार दूंगा, आखिर ग्रहणी का क्रो है वो, शैतान क्रो। चलो कोई नहीं, देखो भाई कुछ भी नहीं मिला, सारे कैबिनेट मैंने सारे ड्रॉ चेक कर दिए, कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल शॉटगन की एमोस तो पड़ी है यहाँ पे, लेकिन शॉटगन मेरे पास, ओ भाई। तो गाइस मेरा डे 2 है और ग्रैनी कैसे अचानक से मेरे बिल्कुल सामने आ गई, भाई उसने मतलब डरा ही दिया मेरे को बुरी तरह से। स्लेंड्रीना जितना डराती है ना, उससे भी ज़्यादा डराया मुझे आज ग्रैनी ने, मुँह के सामने आकर उसने इतने ज़ोर से मारा होगा, पता नहीं मेरी मेरे शकल का नक्शा ही बदल गया होगा। कोई नहीं, फिलहाल अबे मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, मैंने एक स्टोन भी उठाया, वैसे स्टोन भी मुझे कलेक्ट करने हैं, बहुत काम आएंगे मेरे। यहाँ पे प्लैंक रहते लेकिन अभी नहीं है, प्लैंक मुझे पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। एक स्टोन ये सामने है, ओ भाई मैं ज़्यादा ही आगे निकल गया, अब मुझे पीछे जाकर उसको उठाने से अच्छा है मैं आगे निकल लूँ, क्योंकि ग्रैनी मेरे पीछे है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ फिलहाल कुछ भी, क्योंकि हाल फिलहाल में तो ग्रैनी ने मुझे पकड़ा है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई भी डे वेस्ट हो। ओके प्लैंक मुझे यहाँ से मिल चुका है, इसको लेकर मुझे चलना है सीधा सीधा टॉप फ्लोर। ओके गाइस अगर मैं बाहर आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि कार भी चेक कर लूँ, और इसमें मुझे मिल चुकी है वेपन की, और एक अच्छी बात यह है कि ग्रैनी का ध्यान मुझसे हट चुका है, मतलब मुझे नहीं, मैं उसे नहीं दिख रहा हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वेपन की ही उठा लेता हूँ और मुझे अपना क्रॉसबो वेपन बॉक्स। गाइस इस बार तो गजब ही हो गया, लास्ट टाइम मैंने यहीं पर अपनी वेपन की ड्रॉप खरीदी थी, ड्रॉप की नहीं थी, वो मुझसे हो गई थी, क्योंकि मतलब स्लेंड्रीना ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब जैसे वो मेरे सामने ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब मुझे उससे भी सेफ रहना पड़ेगा, मुझे लगता है जल्द से जल्द उसका टेडी बेयर मुझे उसको देना पड़ेगा, नहीं तो भाई वो मेरे लिए खतरा बन सकती है। ये देखो भाई फिर से आई वो। ओके फिलहाल मैं अपनी वेपन की को लेकर आ चुका हूँ, ये ग्रैंडपा का रूम है और यहीं पे ये वेपन बॉक्स है, और इसमें रखा हुआ है स्लिंग स्लॉट, इसको मैंने ले लिया है, थोड़ा मैं छुप जाता हूँ। ओके गाइस स्लिंग शॉट को लेकर मैं आ चुका हूँ नीचे, मैं ग्रैंडपा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फाइनली वो मुझे यहाँ पर मिल गया और ग्रैनी भी साथ में मिल गई, भाई एक के साथ एक फ्री। ओके ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे शॉटगन मिल चुकी है, अब मैं सबसे पहले जाऊँगा रूफ पे, और रूफ पे जाने का पहला मेरा रीज़न है क्रो को मारना,
किसके पास है? शेड की। और ये गया क्रो, शेड की यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी शॉटगन कहाँ पर ड्रॉप करूँ? मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा आ नहीं सकता है, और ये अच्छी बात है। वो यहाँ नहीं आ पाएगा तो अपनी शॉटगन भी नहीं ले पाएगा, और शॉटगन उसके पास नहीं रहेगी तो मैं सेफ रहूँगा। और शेड की मैंने ले लिए, यहीं नीचे फेंक देता हूँ उसको। जी याद रखना है मैंने कहाँ पर फेंकी है। चलो ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँ, ये शॉटगन लेकर मैं काम करता हूँ, बेसमेंट में चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे ग्लास ब्रेक करना है, और फिर मुझे अंदर मिलेगा क्रोबार और भी कुछ इंपॉर्टेंट आइटम मिल सकता है, क्या पता जनरेटर केबल मिल जाए, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं सीधा बेसमेंट में, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। ओके गाइस, आ चुका हूँ मैं बेसमेंट में। यहाँ पर ये ग्लास मैंने ब्रेक किया, अब साउंड सुन के ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों आएंगे। ग्रैंडपा इसलिए आएगा क्योंकि शॉटगन की आवाज़ वो सुन ही लेता है। ये देखो गाइस, भाई दोनों साथ में आ चुके हैं। थोड़े इनके जाने का मैं वेट कर लेता हूँ, फिर मैं आराम से एक्सप्लोर करूँगा। गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, ये दो जा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं इन्हें पता है कि मैं वहाँ छुपा हूँ, मैं निकला ही नहीं हूँ। वो वहीं पर खड़े हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे अपना प्लैंक ड्रॉप किया था, इसको मुझे लेकर जाना है टॉप फ्लोर पर। और टॉप फ्लोर पर एक जगह है जहाँ पर मुझे प्लैंक का यूज़ करके दूसरी साइड जाना है, लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, फटाफट खुद को बचाना है, और खुद को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सीधा टॉप पे, सबसे टॉप पे। ये देखो भाई मैं रूफ पे आ चुका हूँ इस। ओके ओ भाई, ग्रैंडपा को क्या हो गया? और टाइम ये सीधा खड़ा रह के देखता, अभी ये खड़ा सीधा है लेकिन इसकी गर्दन पीछे घूमी हुई है। भाई इसको हो क्या गया, ये पोज दे रहे क्या? भाई मेरे पास प्लैंक है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मैं तेरी फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, ऐसे मत देख। मैंने इसको ये बोले, सामने देखने लग गया। क्या गजब का बुड्ढा है यार ये। ओके गाइस, स्लिंग शॉट है मेरे पास, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास स्टोन्स भी है। ओके, इन दोनों को फिर से मैंने दिन में तारे दिखा दिए हैं, लेकिन यार स्लेंड्रीना को दिन में तारे नहीं दिखाए जा सकते, वो मेरे को दिखा देती है। तो इस बार मैं अपने प्लैंक को लेकर चलता हूँ। वैसे मैंने दो ट्राई किए, दोनों बार मैं सक्सेस नहीं हो पाया, और थर्ड बार भी नहीं हो पाऊँगा इस स्लेंड्रीना की वजह से। और ग्रैनी कब आ गई यहाँ पर, भाई मैंने तो देखी नहीं। ओके, ग्रैनी भी जा चुकी है नीचे, आई थिंक ग्रैंडपा भी नहीं होगा, तो मुझे चलना चाहिए अब अच्छे से बिल्कुल। भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ तक आने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ गए, मतलब मैं आ ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और देखो भाई, मुझे मिल चुका है ब्रिज क्रैंक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेन गेट स्केप में। इसकी वजह से मैं वो ब्रिज जो अप हो रखा है उसको मैं डाउन करूँगा, और डाउन करने के बाद ही मैं गेट तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन मुझे गेट को भी अनलॉक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी मेरे को मिलेगी जनरेटर केबल से। फिलहाल वो छोड़ो, नहीं ग्रैनी नहीं आई, दोनों एमओ मैं भर लेता हूँ अपनी शॉटगन में। ग्रैनी मुझे पता है मेरे पास आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन इस बार भाई मैं इसको अच्छा स्वाद चखाऊंगा। ये ले भाई, पूरे 1 मिनट 30 सेकंड के लिए ये ढेर। अब मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना है, ग्रैंडपा तो मेरे ही पास आ रहा था, अच्छी बात है, ये दोनों ढेर हो चुके हैं तो मैं अब अपना काम कर सकता हूँ। ओके गाइस, ब्रिज क्रैंक लेकर मुझे चलना चाहिए सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। मैं रूफ की मदद से आया हूँ ग्राउंड फ्लोर पर जंप करते करते, वैसे वो सबसे सेफ रास्ता है। और मुझे ब्रिज यहाँ पर लगाना है। अबे कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, तो ब्रिज क्रैंक यहाँ पर लगाया, इसको घुमाना है। अब ब्रिज ये देखो नीचे आ चुका है, अब बस मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तब ये गेट खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलने वाला है। यार मैं क्या ही करूँ इस स्लेंड्रीना का, इतना डरा देती है। ओके, सेट की मुझे मिल चुकी है, और सेट की से मैं ये शेड अनलॉक करने वाला हूँ। इसके अंदर ये जनरेटर रखा हुआ है, लेकिन मुझे केबल भी चाहिए होगा, वो पता नहीं कहाँ मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर टैडी रखा हुआ है, स्लेंड्रीना का टैडी है ये, इसको लेकर चलते हैं। ओ अबे अब तो मैं डरा, तेरा ही टैडी है भाई। स्लेंड्रीना के टैडी को फाइनली लेकर मैं आ चुका हूँ इस रूम में, शायद स्लेंड्रीना का ही रूम है।
अब मुझे स्क्रिप्ट में इसको डालना है। भाई ये देखो स्लेंडरीना यहाँ पर प्रकट हो चुकी है। अब ये पता नहीं क्या करेगी, क्या करेगी मतलब क्या देगी मेरे को, कुछ अच्छा दे दे, जनरेटर केबल दे दे तो मेरा काम बन जाए। लेकिन इसने मेरे को यहाँ पर एक की दिया, ये पैडलॉक की है। ओके इसका यूज़ हो सकता है लेकिन अभी मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके गाइस लास्ट टाइम मैं यहाँ आना भूल गया था क्योंकि मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा ने यहाँ आने नहीं दिया। इस बार मैं आ चुका हूँ, जनरेटर केबल काश मेरे को मिल जाए। नहीं मिला यार, ट्रेन की पड़ी है, ट्रेन की मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं ट्रेन स्किप नहीं करने वाला हूँ। कोई नहीं, मुझे क्रोबार यहाँ पर मिल चुका है और सबसे पहले ये वाला बॉक्स मैं अनलॉक कर लेता हूँ। इसमें कोकोनट रखा हुआ है। ओके गाइस लास्ट टाइम ग्रैनी कब आई मेरे को तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला मेरे को। भाई बहुत फास्ट हो चुकी है, बहुत बहुत फास्ट। सिलेंड्रीना के जाने के बाद ना ये डबल मेहनत कर रही है मेरे को पकड़ने में, मतलब इतने फास्ट कोई कैसे हो सकता है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आपसे मुझे सेफ की मिली और सेफ ऊपर के फ्लोर पर है। फिलहाल मुझे यहाँ से बच के जाना चाहिए। हाँ सेफ मैंने कहाँ देखा था, इधर ही कहीं देखा था, इसके पीछे बिल्कुल ये रहा सेफ। और इसमें मेरे को मिल चुका है जनरेटर केबल, ये बहुत अच्छा हुआ। अब जनरेटर केबल को लेकर मुझे जाना है शेड में। शेड कहाँ है, ये तो है, मैं पीछे ग्रहणी को देख रहा था। ओके मुझे यहाँ पर इसको लगाना है, ये बटन ऑन करना है और इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हो वायर के थ्रू जा चुकी है सीधा टॉप फ्लोर पर, और मुझे वहाँ से एक बटन ऑन करना है, उसके बाद मैं यहाँ से स्केप कर जाऊँगा। उसके बाद मतलब फ्लोर वो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रैंडपा ने मेरे को मार दिया। तो गाइस ये मेरा लास्ट डे है और इस बार मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ से स्केप करने वाला हूँ। इस बार मैं अपने साथ स्लिंग शॉट लेके आया था, इसकी शॉट गन मैं ले लेता हूँ। वैसे शॉट गन तो ये खाली है लेकिन रिस्क क्यों लेना है। ओके मेरा तो काम हो ही चुका है, बस मुझे ये बटन ऑन करना है। और ये देखो ग्रीन साइन आप देख सकते हो, इसका मतलब गेट अनलॉक हो चुका है। वैसे मेरा लास्ट डे है, मेरा काम तो पूरा हो चुका है कंप्लीट। मुझे करना क्या है, बस यहाँ से नीचे जाना है गेट के पास, गेट अनलॉक है, मुझे उसको वहाँ से बाहर चले जाना है। इसी के साथ मैं यहाँ से स्केप कर जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम है, ये मेरा लास्ट डे है, कहीं ग्रैनी मेरे को ना मिल जाए। वैसे भी मेरे पास एमो नहीं है, खाली शॉट गन लेके मैं घूम रहा हूँ। ओके गाइस तो ये रहा वो मेन गेट, इसको करते हैं ओपन और फाइनली हम ग्रैनी के घर से, ग्रैनी के हॉन्टेड मैंसन से स्केप कर चुके हैं। सिर्फ ग्रैनी का, ग्रैंडपा का भी मैंसन है। और भाई सिलेंड्रीना भी फाइनली आ चुकी है हमको देखने के लिए, शायद लास्ट गुड बाय बोलने के लिए। तो गाइस इसी के साथ ग्रैनी चैप्टर 3 का दी एंड हमने कर दिया है। दो स्केप्स थे इसमें, दोनों ही स्केप हमने अच्छी तरह से कर लिया है। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और ऐसी गेम प्लेस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलेंगे सीधे अगली गेम प्ले वीडियो में किसी नए हॉरर गेम के साथ, या कोई सा भी गेम हो सकता है, हॉरर नहीं मैं कोई अच्छा ही गेम खेलूँगा। तो मिलेंगे सीधे अगली गेम प्ले वीडियो में, बाय।